तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एवेंजर्स एंड गेम के ऑफिशियल प्लॉट के बारे में, जो कि अब केविन फाइजी की तरफ से कंफर्म कर दी गई है। और साथ ही में बात कर लेंगे कैप्टन मार्वल के टाइम ट्रैवल के बारे में, क्योंकि हमने उसके क्रेडिट सीन में ये देख लिया है कि कैसे वो एवेंजर्स से मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्फिनिटी वॉर में इतने सारे कैरेक्टर्स की होने की वजह से सारे कैरेक्टर्स को उनका प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन फिर आधे से ज्यादा सुपर हीरोज डेसिमेशन इवेंट के कारण डस्ट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन एंड गेम में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन देखने को मिलेंगी, जैसे कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल और उन कैरेक्टर्स के भी जो कि सोल वर्ल्ड में है, और उसी के साथ साथ गमोरा की भी स्टोरी लाइन। और जैसा कि हम जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम पिछले मूवीज का कंक्लूजन देके जाएगी, तो आखिर हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स का क्या होगा जो हमें सबसे पहले दिखाए गए? क्या उनके स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर उनकी स्टोरी लाइन यहीं खत्म हो जाएगी और आगे हमें फ्यूचर एवेंजर्स देखने को मिलेंगे? तो इसी के ऊपर केविन फाइजी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एवेंजर्स एंड गेम मेनली कनेक्ट होगी सिर्फ 6 ओरिजिनल एवेंजर्स से। चलिए देख लेते हैं वो भी क्या कहते हैं। We spent, it's no exaggeration, years in a room. Myself, our executive producer at Marvel Studios, Trent Tran, Joan Anthony Russo, and our screenwriters, Chris Marks and Steve McFeely, years in a room working on Infinity War and Endgame. And one of the fun games was we had character cards that were spread around a table, that were up on whiteboards, and deciding who was going to go at the end and who was going to turn to dust, who would be in that 50% pile. And they moved around a little bit, but for the most part, it was what you saw at the end of the movie is what we had determined early on, in large part because it would be the most heartbreaking. Seeing T'Challa go right after his first appearance, seeing Spider-Man go and Peter Parker after that relationship had been established between he and Tony Stark. And it also was designed to leave behind the original Avengers, because Endgame very much follows there. तो जैसा कि आपने अभी सुना कि एवेंजर्स एंड गेम में और भी कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन ये हमारे 6 ओरिजिनल एवेंजर्स वो मेजर रोल प्ले करेंगे जो बाकी के एवेंजर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि बाकी के एवेंजर्स बेकार हैं। बाकी के एवेंजर्स के बिना थैनोस को हराना इम्पॉसिबल होगा। यहीं पे अगर स्क्रीन टाइम की बात कर लें तो सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला था थैनोस को, थॉर को और आयरन मैन को, लेकिन हमारे इन 6 ओरिजिनल एवेंजर्स का स्क्वाड हमारे साथ नहीं था और इसीलिए शायद थैनोस हमें हरा पाया। और यहीं पे अगर देखा जाए तो आयरन मैन टाइटल बाहर नहीं आ पा रहा था, वो रिवाइव नहीं हो पाया, और अब बचे सिर्फ 3 एवेंजर्स, थॉर, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका। तो मेनली जो एवेंजर्स एंड गेम का ऑफिशियल प्लॉट होगा वो ये होगा कि 6 ओरिजिनल एवेंजर्स को उनका बेस्ट स्क्रीन टाइम मिलेगा, वो इकट्ठे यूनाइट होंगे और किस तरीके से थैनोस को डेसिमेशन इवेंट को अंडू करेंगे हमें पहले में यही दिखाया जाएगा। और जैसा कि हमने क्रेडिट सीन में देखा कि कैप्टन मार्वल बहुत टाइम से स्पेस में है, तो उसे स्पेस में लड़ने का और आउटर स्पेस बैटल सुपर सैयन का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और इसी वजह से कैप्टन मार्वल एवेंजर्स एंड गेम में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। तो ये तो हो गया एवेंजर्स एंड गेम के ऑफिशियल प्लॉट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कैप्टन मार्वल के टाइम ट्रैवल के बारे में। तो अभी रिसेंटली हुए इंटरव्यू में सैमुअल एल MCU में रोल प्ले करते हैं निक फ्यूरी का, और कहा था कि कैप्टन मार्वल MCU में टाइम ट्रेवल कर सकती हैं। तो इसी को लेकर बहुत सारे फैंस ये सोच रहे थे कि आखिर कैप्टन मार्वल MCU में कैसे टाइम ट्रेवल करेंगी, और अगर कैप्टन मार्वल टाइम ट्रेवल कर लेंगी तो क्वांटम रियम का आखिर मेन मकसद क्या रह जाएगा, क्योंकि मार्वल इस समय क्वांटम रियम पे बहुत ध्यान दे रहा है और वो यही टीज करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे क्वांटम रियम के थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और टाइम वॉर्टेक्स का यूज किया जा सकता है। तो आखिर एंड मौके पे वो कैप्टन मार्वल को ये कैसे टाइम ट्रेवल करवा सकता है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले फिर से एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने इसमें फिर से ये कहा कि मैंने जो पहले कहा था वो इसलिए कहा था ताकि हमारे फैंस स्पॉइलर से दूर रहें, और कैप्टन मार्वल टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती। तो अब जो बात आ जाती है वो वापस से आ जाती है एंट मैन पर और क्वांटम रियम पर, और उनका क्वांटम रियम सूट भी उतना ही रोल प्ले करेगा टाइम ट्रेवल में। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी एवेंजर्स एंडगेम और कैप्टन मार्वल से रिलेटेड, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।